दोस्तों, वीडियो के थंबनेल देखकर और टाइटल पढ़कर आप शॉक जरूर हो गए होंगे। तो जी हाँ, आपने सही देखा और पढ़ा। ग्लास बॉल रबर क्यूब बॉल की तुलना में ज्यादा उछलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो फिर हम बॉल बियरिंग और मार्बल्स को बॉल जैसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, और हाँ, साथ ही साथ सीखेंगे इसके पीछे के साइंस को भी। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को। पहला, चीज़ें बाउंस क्यों करती हैं? बाउंसिंग एक इलास्टिक कोलिशन का रूप है जो कि दो वस्तुओं के बीच होता है। चलिए इलास्टिक कोलिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इलास्टिक कोलिशन मतलब लोचदार टकराव। इसमें होता यह है कि टकराव के पहले का काइनेटिक एनर्जी और टकराव के बाद का काइनेटिक एनर्जी समान रहता है। आसान शब्दों में चलिए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है। अगर आप उस बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं तो वो दीवार से टकराकर फिर से सीधा आपके हाथ में आ जाएगी। तो इस उदाहरण को कुछ हद तक इलास्टिक कोलिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस ऊर्जा से बॉल को दीवार की तरफ फेंका था लगभग उसी ऊर्जा से वापस भी आ गया। लेकिन वास्तव में इलास्टिक कोलिशन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई टकराव होता है तो थोड़ी बहुत ऊर्जा तो दूसरे ऊर्जा में उत्पन्न होती ही है, चाहे उसकी मात्रा कम ही क्यों ना हो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चीजें तभी उछलती है जब टकराने के दौरान जिस ऊर्जा से वो सरफेस से टकराती है, अगर वही ऊर्जा टकराने के बाद उस सरफेस से मिल जाती है तभी वो चीज उछलती है। दूसरा, कोई भी चीज कितना बाउंस करेगा उससे कैसे जान? तो आप एक चम्मच से उस चीज पर मारकर पता कर सकते हैं। कुछ सुनाई दिया? हाँ, वही वाइब्रेशन ही उसकी ऊर्जा है। जिस चीज से ज्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न होगी वही ज्यादा उछलेगी। तो अगर आपके पास एक रबर का बेल या एक ग्लास या फिर एक स्टील का बेल है तो ज्यादा आवाज ग्लास और स्टील के बेल से ही आएगी, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे। तीसरा और आखिरी, ग्लास या स्टील की बॉल रबर बॉल से ज्यादा क्यों उछलती है? तो जब भी कोई रबर बॉल जमीन से टकराती है तो वो दबाव के कारण बहुत कम समय के लिए उसके शेप में बदलाव होती है। इस प्रक्रिया के दौरान बहुत ऊर्जा खराब हो जाती है। हालांकि बाहर से दिखने में यह फर्क नहीं पता चलता, क्योंकि ये केमिकल बदलाव होता है। वही आप ग्लास के बॉल को देखें तो सख्त होती है और उसके शेप में भी ज़्यादा बदलाव नहीं होती। जब वो ज़मीन से टकराती है ज़्यादातर ऊर्जा टकराव के दौरान ग्लास में ही वापस आ जाती है, इसलिए ग्लास या स्टील की बॉल रबर बॉल से ज़्यादा उछलती है। आप चाहे तो इसे घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ज़्यादा ताकत से ग्लास बॉल को ना फेंकें, वरना मम्मी से आपको भगवान ही बचाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।